रेस्पिरेटरी फार्मा की एक और वीडियो में वेलकम। वी आर डूइंग दिस फ्रॉम लिपिनकॉट एंड टुडे द टॉपिक इज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट कफ। नाउ रिमेंबर, कफिंग, खांसना जिसको हम कहते हैं ना, खाऊं खाऊं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू इरिटेंट्स एंड इज अ कॉमन रीजन फॉर पेशेंट टू सीक द मेडिकल केयर। नाउ रिमेंबर दिस, देखें हमारी बॉडी में ना कुछ अलार्म लगे हुए हैं और ये अलार्म बड़े ज़रूरी हैं। अगर ये अलार्म ना हो तो समझ लें कि हमें पता ही ना लगे कि क्या गड़बड़ है। और कुछ अलार्म्स मैं आपको बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, फीवर इज़ अ टाइप ऑफ एन अलार्म कि अगर आपको फीवर ना हो तो आपको कभी पता ही ना लगे यार कि आपकी बॉडी में रॉन्ग क्या हो रहा है। फीवर होता है तो इससे आप सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर सोचता है कि कोई इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा क्यों है, दिस इज़ एन अलार्म। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बॉडी में एक और अलार्म है, पेन। अगर किसी भी जगह में बॉडी में पेन हो रहा है तो दैट इज़ एक्चुअली एन अलार्म, घंटी बज रही है कि यार कुछ गड़बड़ है इस जगह में, फ़ौरन अटेंशन देनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह कफ़ भी एक अलार्म है और इस अलार्म को हमेशा सीरियस लेना चाहिए। कफ़ बजाते खुद, आई मीन इन इट सेल्फ इट्स नॉट एनीथिंग बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डिपिक्टिंग समथिंग, इट इज़ ऑलवेज टेलिंग यू कि यार बॉडी में कोई इशू है, कोई ना कोई इरिटेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिसकी वजह से आपको कफ़ हो रही है। एंड दीज अलार्म्स आर एक्चुअली द वंस जो आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक वर्क प्लेस में किसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और सडनली वहाँ फायर अलार्म बजना शुरू हो जाए तो छत पे लगे फायर अलार्म की लाल बत्ती भी जलना शुरू हो जाए और इसमें से साउंड आना भी शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली इट इज़ इंडिकेटिंग समथिंग रॉन्ग एंड यू विल इवैक्यूएट द बिल्डिंग। आप बिल्डिंग छोड़ के बाहर आ जाएंगे, यही करते हैं ना हम लोग। तो बॉडी में भी जो अलार्म है उनका काम क्या है कि वो दे ब्रिंग योर अटेंशन टू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग वेरी वेरी सीरियस, ये है इन अलार्म्स का काम। तो एक अलार्म है जिसका नाम है पेन, एक अलार्म है जिसका नाम है फीवर, एक अलार्म हम आज डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कफ। ऑल दीज अलार्म्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दीज अलार्म्स पेशेंट सीक मेडिकल केयर, पेशेंट आता है मेडिकल केयर की तरफ, ठीक है, डॉक्टर के पास जाता है। अ ट्रबलसम कफ मे रिप्रेजेंट सेवरल इटियोलॉजीज, यानी सिंपल चीज़ें जैसे कोल्ड, साइनोसाइटस, इनमें भी आपको कफ हो सकती है, फिर एस्थमा, COPD, इनमें भी आपको कफ हो सकती है। सो मच सो कि सम सीरियस डिसऑर्डर्स सच एज कैंसर, उसमें भी आपको कफ हो सकती है। सो वेन एवर देयर इज कफ, यू ऑलवेज हैव टू थिंक कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई ना कोई इरिटेशन है एंड कफ इज यू नो रिंगिंग बेल्स फॉर समथिंग मोर सीरियस। ऑलराइट, इन सम केसेस कफ मे बी इफेक्टिव डिफेंस रिफ्लेक्स अगेंस्ट अंडरलाइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड शुड नॉट बी सप्रेस्ड। लिसन टू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड यू हैव इन्फ्लेमेशन समवेयर हियर एंड नाउ यू आर कफिंग, इरिटेशन ऑफ द म्यूकोसा बिकॉज बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है और इन्फेक्शन हुआ हुआ है, एक्सुडेट होगा यहाँ पर, इंक्रीज म्यूकोजल एक्टिविटी होगी, बहुत सारा लिक्विड यहाँ पे जमा होगा जिसे आप स्प्यूटम या बलगम कहते हैं ना। इस इरिटेशन की वजह से यू कफ एंड यू ट्राई टू गेट ऑल शिट आउट ऑफ योर बॉडी। इस केस में इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू सप्रेस कफ। So you always have to think in context, okay? Before treating cough, identification of its cause is important to ensure that antitussive treatment matlab anti-cough treatment is appropriate. So that's an important line to me because yahan main apne students ko hamesha ye samjhata hu ki bhai सिर्फ बुखार के लिए, जब भी बुखार के साथ पेशेंट आए तो ये नहीं है कि आपने पैरासीटामोल पैनाडोल दे दी और पेशेंट को कहा जी जाओ सब ठीक हो गया है, बुखार कम हो जाएगा। यार आपने सोचना है कि ये बुखार की अंडरलाइन कॉज है क्या, ये बुखार किस वजह से है, व्हाट इज़ दी मेन अंडरलाइन पैथोजेनेसिस जिसकी वजह से पेशेंट को बुखार हुआ है, इज़ इट वायरल इन्फेक्शन, इट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज़ अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, वाई द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। जस्ट डोंट गिव पैनाडॉल एंड से द पेशेंट के हो गया जी जाए। इसी तरह पेन है, पेन किलर दे के छुट्टी नहीं यार, उसकी रीज़न जड़ तक पहुँचो, ऐसे ही कफ है। सो यू ऑलवेज हैव टू आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर द कफ, ओके। प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी गिवन टू ट्रीट द अंडरलाइन कॉज ऑफ द कफ। सो कॉज आपने ट्रीट करनी है, सिर्फ कफ को नहीं ट्रीट करना, राइट? तो ये मैंने इतना सारा टाइम इस चीज़ पर इसलिए लगाया ताकि मैं आपको ये थॉरली समझा सकूँ कि कफ के लिए अभी जो मेडिसिन हम पढ़ेंगे वो कफ को ट्रीट करती हैं। आपको हमेशा उसकी जड़ तक पहुंचना है कि कफ के अंडरलाइन कॉजेस क्या हैं उस पेशेंट में, तो उसे आपने सेटल करना, ओके?
Now let's talk about some drugs which we use for treating cough. The first category is the opioids. Codeine, an opioid, decreases the sensitivity of the cough centers in the central nervous system. So you have to think ki aapne ye use karna hai ki nahi. So if there is an irritation of the respiratory mucosa, your brain is thinking about it, the brain is receiving signals and then giving signals to initiate the cough reflex. Ab agar aap ye brain centers ko band kar dete hain by using opioids, so irritation might be there, wo wahin par hai, lekin aapka brain usko sense nahi kar raha, so jiski wajah se cough reflex suppress ho jata hai. Okay, these therapeutic effects occur at doses lower than those required for analgesia, because codeine opioids also used for analgesia. However, common adverse effects such as constipation, dysphoria, fatigue, they may occur. In addition, codeine has addictive potential. ये मसला है, बंदे को चरसी थोड़ी बनाना है यार, उसको treat करना है ना, इसी वजह से इसके limitation है, आजकल इसको बहुत ज़्यादा use नहीं करते हैं. Dextromethorphan is a synthetic derivative of morphine that has no analgesic effect. We like such drugs. हमने जब rhinitis की drugs की थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो उसके initial first line drugs थी उसमें sedation है. Now the second line generation drugs जो हैं उनमें sedation नहीं है. We like the drugs जिसमें sedation ना हो, patient का normal routine disturb ना हो. Okay, so here is another example. It has better adverse effect profile as compared to the codeine, and therefore it is now more famous to be prescribed for as an antitussive agent for cough. In low doses, dextromethorphan has low addictive profile, so ye ek achhi baat aur iski. However, it is also a potential drug of abuse since it may cause dysphoria at high doses. To banda dusri duniya mein hi chala jata hai ki ji main to king hu, ye iske liye use hoti drug actually. Okay, now guaifenesin and expectorant ka matlab hota hai wo dawa jo balgam ko nikal ke bahar phekegi, so expectorant, it is also available and it is also it also has antitussive agent. Okay, and sometimes this is also used in combination with dextromethorphan and codeine. So aap cough ko suppress kar rahe hain aur expectorant function ko badha rahe hain. So that's how you use opioids, blocking the CNS reception of drug reflex mechanisms, right? Another category is benzonatate. Unlike opioids, these drugs suppress the cough reflex through peripheral action, so they do not act on the central nervous system, rather they work on the peripheral receptors, and we'll see how. It anesthetizes the stretch receptor located in the respiratory passage, so the receptors here are made senseless, ये feel ही नहीं कर रहा है. पहले जो हमने drugs देखी थी opioids group, वो central nervous system को block कर रहे थे, यहाँ पे receptor यहीं respiratory system में ही receptor capacity खत्म कर देते हैं. So these drugs block these receptors, so the irritation is there but it is not being sensed. Okay, adverse effect include dizziness, numbness of the tongue, mouth and throat. These localized effects may particularly problematic if the capsules are broken or chewed, तो direct oral cavity में effect आएगा. So पहली drug category opioid, दूसरी drug category benzonatate. Now लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोनों जो categories हैं इसमें important point क्या है. देखो वो कहते हैं ना, you know ostrich, एक मुहावरा मशहूर है कि ostrich sometimes what it does is, if this is a big ostrich, कि ये जो अपना head है ना उसको डाल देता है जमीन के अंदर मट्टी में, तो उसको आसपास का कुछ दिखता नहीं, एंड देन द ऑस्ट्रिच थिंक एवरीथिंग इज फाइन. तो आप अगर किसी टेंशन वाले सिनेरियो में खड़े हुए हो, यहाँ पे कुछ बहुत गड़बड़ उत्पात मचा हुआ है बिल्कुल, आप अपनी आईज क्लोज कर दो और बोलो वाह सब टेंशन खत्म हो गई. यार टेंशन नहीं खत्म हुई है, आपने अपनी आंखें बंद की हैं, आपने सिर्फ मुंह फेर लिया है, ऑस्ट्रिच ने सिर्फ मुंह जमीन में डाल दिया, उसको अब कुछ बुरा दिख ही नहीं रहा. यार ये ड्रग्स भी ऐसी ही हैं, कफ का मेन कॉज खत्म नहीं कर रही, ये कफ से सिर्फ आंखें मोड़ रही हैं, मुंह मोड़ रही हैं, आंखें बंद कर रही हैं ये ड्रग्स. एक ड्रग का काम ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आंखें बंद कर दो, पता ही ना लगे, कोई रिफ्लेक्स ही इनिशिएट ना हो. दूसरी ड्रग ये कर रही है कि पेरिफेरल रिसेप्टर्स की आंखें बंद कर दो, पता ही ना लगे कि कुछ गड़बड़ है. बट ऑलवेज रिमेंबर, इसीलिए मैंने शुरू में इतना ज़्यादा एम्फसाइज किया कि भाई ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू ट्रीट, and this is a must, you have to treat the
कॉज ऑफ द कफ, अंडरलाइंग कॉज के बारे में अगर आपने नहीं इन्वेस्टिगेट किया, अगर आपने नहीं सोचा, तो बिलीव मी यू आर नॉट अ गुड फिजिशियन. अ गुड फिजिशियन, उसके पास जब कभी पेशेंट इन अलार्म साइंस के साथ आएगा, वो हमेशा उस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा कि वॉट इज द अंडरलाइंग कॉज. पेशेंट को फीवर है तो क्यों है, पेशेंट को कफ है तो है क्यों, उसके अंडरलाइंग कॉज क्या है. क्योंकि कफ बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है मेरे दोस्त. कफ हो सकता है, मैंने आपको बताया, सिंपल कोल्ड की वजह से कफ हो सकता है, एस्थमा की वजह से कफ हो सकता है, COPD की वजह से, कैंसर की वजह से, व्हाट नॉट यार, ये सारी चीज़ें कफ का रीज़न है. ट्यूबरकुलोसिस वेरी कॉमन. सो आपको देखना तो पड़ेगा ना कि कफ है किसकी वजह से. इज़ इट बिकॉज ऑफ कैंसर, इज़ इट बिकॉज ऑफ TB, इज़ इट बिकॉज ऑफ COPD. बिकॉज फिर आप सिर्फ कोडेन दे करके उसको पेशेंट को बाय बाय तो नहीं करेंगे ना. अब आप अगर TB आइडेंटिफाई करते हैं, आप चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, आपको कैविटेटिंग लीजन्स मिलते हैं, यू डू द सीरोलॉजी टेस्टिंग, आपको TB कन्फर्म होता है, यू डू PCRs, देन यू रिस्टार्ट द ट्रीटमेंट फॉर TB एज वेल. सो सिर्फ कफ की ट्रीटमेंट मीन्स नथिंग. रिमेंबर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द. यहाँ ये चैप्टर खत्म हो गया बाय द वे, एंड दिस वॉज द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, एंड विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर वेरी सून. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.